नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि फीस स्ट्रक्चर किस तरह का है, कि आप जब कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो उसका फीस स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो देखिए, पहले तो देख लीजिए, यहाँ पे अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला, तो शिमला यूनिवर्सिटी के द्वारा जो HPU है उसके द्वारा ये अप्रूव्ड है। तो देखिए, एनुअल चार्जेज और मंथली चार्जेज है, दो कॉलम बने हैं। पहले एनुअल चार्जेस की बात करते हैं जो आपको साल में देने होते हैं, एक साल में, मंथली चार्जेस जो महीने में देने होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एनुअल चार्जेस है जो ये आपसे एक बारी में ही लिए जाएंगे। जैसे कि एडमिशन फीस के आपके 25 रुपये लगते हैं, अगर आप HP बोर्ड से हो तो आपको 200 रुपये लगते हैं, अदरवाइज अदर बोर्ड के जैसे NIOS है, दूसरे आपके बोर्ड है तो उसके 400 रुपये आपसे लगते हैं। वैसे ही इसमें और भी फीस लगती है, यूनिवर्सिटी हॉलीडे है, वेलफेयर है, स्पोर्ट फीस है, स्टूडेंट वगैरह, बाकी इसमें काफ़ी सारे फंड मिक्स होते हैं, 10-10, 20-20, 15-15, 2-2 रुपए के, तो वो सारी चीज़ें होती है। जैसे कि हाउस एग्जामिनेशन फंड है, आपसे ही लिया जाता है, 80 रुपए सबसे कलेक्ट किया जाता है, इससे ही आपके एग्ज़ाम वगैरह होते हैं। NCC वगैरह जो आपके कॉलेज में होते हैं उनके लिए भी 10-10, इससे ही आपकी सारी जो पैसा है, फंडिंग है, यहाँ से जाती है। देखिए, फर्स्ट ईयर वाले ध्यान से सुने, लाइब्रेरी सिक्योरिटी आपको 100 रुपए देने होते हैं, सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों को ही ये देने होते हैं। उसके बाद है जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड है, कॉलेज मैगजीन है और मेडिकल फंड है, तो वो आपको 10, 50 और 6 रुपए ये भी आपको देने होते हैं। मैं आपको इसका टोटल बता दूंगा कि लास्ट में कितना होता है, पहले आप देख लीजिए। तो यहाँ पे एक है, अगर आप जर्नल में आते हो तो 250 रुपए देने होते हैं, और BPL में आते हो तो 100 रुपए देने होते हैं। तो ये आपकी एनुअल है जो एक बारी में ही देने होते हैं, और ये शुरू में ही आपसे ली जाती है फीस। तो इसका जो टोटल होता है 1289 रुपए, 1279, तो ये आपका जो साल में आपसे ली जाती है, ये लड़के लड़कियों को बराबर होती है। लेकिन अब जब मैं आपको यहाँ पे बात करूँगा मंथली चार्जेस की, तो यहाँ पे ट्यूशन फीस आपके 50 रुपये हर महीने लिए जाते हैं, तो समझ लीजिए कि 12×5=60, तो ये 600 रुपया हो जाता है इस तरह से। लेकिन ये बॉयज़ की ली जाती है, और जो नॉन हिमाचली गर्ल्स है उनसे ली जाती है, तो जो हिमाचल की लड़कियाँ हैं उनसे ये फीस नहीं ली जाती 600 रुपये साल के। तो इससे ही लड़कों की फीस बढ़ जाती है, या फिर जो बाहर से आए बच्चे होते हैं उनकी फीस ज़्यादा होती है, लड़कियों की अपेक्षाकृत कम होती है। वैसे ही रोवर एंड रेंजर फंड 5 रुपये होता है, इतनी सारी जो आपकी सारी फीस होती है इसमें। और प्रैक्टिकल फंड है, जैसे कि ये उनके लिए होता है, जैसे कि आपने म्यूज़िक रखा है या फिर आपने जो भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल कुछ करना होता है, साइंस वगैरह है, तो उसमें जैसे कि ज्योग्राफी है, फिजिकल है, यहाँ पे लिखे हुए सारे सब्जेक्ट, तो इसमें आपको प्रैक्टिकल फीस भी देनी होती है। आगे फीस लिखी है कि 180 रुपये इसके लिए है। केमिस्ट्री, फिजिकल, बॉटनी, जियोलॉजी में 240 रुपये इसमें ज़्यादा है। तो ये भी सब्जेक्ट ध्यान रखे कि आपने फीस के हिसाब से रखना हो तो भी आप देख सकते हो, अदरवाइज आपका इंटरेस्ट है जैसा मर्जी। फिर रीएडमिशन फीस है, वो अगले साल लगती है। फाइन है जो आपका एबसेंट फाइन लगता है। तो कुल मिला के ये भी अगर मंथली फीस ही गिनूँ मैं तो ये 1700 कुछ रुपये हो जाते हैं। लेकिन आपको इसमें से सारे पे नहीं करने होते, क्योंकि इसमें से जैसे कि आपकी ये फीस है, जैसे कि पर ईयर पर सब्जेक्ट प्रैक्टिकल फंड है, ये आपको सबको नहीं देना होता है। रीएडमिशन आपको हर सब बच्चों को नहीं लेनी होती है, जो आउट हो जाते हैं उनको लेनी होती है। फाइन भी आपके एब्सेंट प्रेजेंट पे डिपेंड करता है। तो आपका कुल मिला के जो खर्चा हुआ लगभग वो हुआ 3000। तो मैं पूरा बता रहा हूँ, ईयरली साल का जो आपका खर्चा हुआ वो 3000 हुआ। तो इस तरह से आपका, मतलब कहने का मतलब ये है कि 2000 से 3000 के बीच आपका खर्चा आने वाला है एक साल का, तो इतनी आपकी फ़ीस लगने वाली है। ये मैंने आपको मोटा मोटा एस्टिमेट दे दिया है, बाकी इससे ज़्यादा फीस आपकी नहीं लगती है। तो आई होप दोस्तों ये आपको पसंद आया होगा। लेकिन मैं साथ में आपको बता दूं यहाँ पे कि इसमें थोड़ी बातें और भी है, जैसे PTA का है, PTA की फीस भी जो लगती है, अगर आप दो भाई बहन हैं तो उनमें से PTA की फीस एक ही लगेगी, एक की नहीं लगेगी। और इसमें जैसे कि आपको, आप माइग्रेशन करके आते हो या मतलब माइग्रेशन लेते हो तो 100 रुपये उसकी फीस लगती है, बाकी आपसे ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस कॉलेज नहीं लेता है, ना ही आपको किसी बाध्यकारी नीतियों में पढ़ने की ज़रूरत है कि कोई आपसे फंड मांग रहा है कि इसके लिए दो उसके लिए दो, तो वो काफ़ी ज़रूरी नहीं होता, वो आपकी इच्छा होती है अपनी। तो यही था कॉलेज में, बाकी आपका फरवरी में आपसे फाइन लिया जाता है, 13-14 रुपये जितने आप एब्सेंट करते हो उतना वो आपका फाइन लग जाता है। तो इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।